नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सबको स्वागत है इन माय चैनल द 1971 वॉर बुक सीरीज, जहां पे हम बात करेंगे अबाउट द बैटल ऑफ द रस्टी ग्रोव, व्हिच इज गोइंग टू टॉक अबाउट द एफर्ट्स ऑफ द 4 कुमाऊं रेजिमेंट टू लिबरेट द टाउन ऑफ शमशेरनगर। पाकिस्तानी फौज के कब्जे से शमशेरनगर को आजाद करने के लिए 4 कुमाऊं रेजिमेंट के सैक्रिफाइसेस को आज हम याद करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे 4 कुमाऊं रेजिमेंट ने शमशेरनगर को हेवी फाइटिंग के जरिए आजाद किया था फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन। तो ये वीर गाथा को जानने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आइए शुरू करते हैं। तो 4 कुमाऊं रेजिमेंट वॉज अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल लखा सिंह और ये भारतीय फौज के 81 माउंटेन ब्रिगेड का एक हिस्सा था। 81 माउंटेन ब्रिगेड वॉज कमांडेड बाई ब्रिगेडियर RCV आप्टे और ये इंटायर ब्रिगेड वॉज अ पार्ट ऑफ द 8 माउंटेन डिवीजन अंडर द कमांड ऑफ मेजर जनरल KV कृष्ण राव और ये पूरा डिवीजन वॉज एक्चुअली लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ बांग्लादेश, मतलब भारतीय बॉर्डर एरिया के सिलेट साइड ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड था। इस सिलेट साइड का बॉर्डर पे 8 माउंटेन डिवीजन पाकिस्तानी फौज के मूवमेंट्स के ऊपर कड़ी नजर रख रहा था और यहाँ पे अपने फोर्सेस को कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया था। तो आपको जैसे पता होगा कि पाकिस्तानी फौज कितना ज्यादा अत्याचार कर रहा था ऑन द बंगाली पॉपुलेशन इन साइड बांग्लादेश और उनके इंडिपेंडेंस मूवमेंट को दबा देने के लिए मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दिया था और भारतीय फौज मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट कर रहा था। इवेंचुअली ये तय हो गया था कि भारतीय फौज को भी बांग्लादेश की लड़ाई में मैदान में उतरना पड़ेगा। 81 माउंटेन ब्रिगेड में था द 4 कुमाऊं रेजिमेंट, द 10 महार रेजिमेंट एंड द 3rd पंजाब रेजिमेंट। तो भारतीय फौज के 4 कुमाऊं रेजिमेंट वॉज एक्चुअली रेज्ड फ्रॉम द 4th बटालियन ऑफ द 19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1971। दिस बटालियन वॉज कमांडेड बाई लेफ्टिनेंट कर्नल लखा सिंह। इस बटालियन का 2IC था मेजर DPS रघुवंशी, ए कंपनी का कमांडर था मेजर YS बिष्ट, बी कंपनी का कमांडर था मेजर महेंद्र सिंह, सी कंपनी का कमांडर था मेजर नरेंद्र सिंह और डी कंपनी का कमांडर था मेजर IB खाड़े और मेजर DK धवान वॉज द सीनियर कंपनी कमांडर। 4 कुमाऊं रेजिमेंट का बटालियन एडजटेंट था मेजर BK शर्मा। इस बटालियन में जो जो जूनियर ऑफिसर्स था उनका नाम है कैप्टन MC शाह, सेकंड लेफ्टिनेंट MPS खाती, सेकंड लेफ्टिनेंट BS रावत, सेकंड लेफ्टिनेंट RS साधु, सेकंड लेफ्टिनेंट BS जोधा, सेकंड लेफ्टिनेंट वीरेंद्र सिंह एंड सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह। तो सितंबर के महीने में इन 3 बटालियंस को चेकासंग से मूव आउट करने के लिए बोला गया था। ये 3 बटालियंस काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व था इन द चेकासंग एरिया और ऑन द 9th ऑफ सितंबर 1971 को ये 3 बटालियंस मूव आउट कर गए थे टुवर्ड्स दीमापुर, नागालैंड का जो सबसे ज्यादा टेररिस्ट इन्फ्लिक्टेड एरिया था जिनको चाइना से बहुत सपोर्ट मिल रहा था। यहाँ पे ये 3 बटालियंस इन्वॉल्व थे इन द काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस और 81 माउंटेन ब्रिगेड का एक बटालियन को चेकासंग में रखा गया था टू कंट्रोल द एरिया और 3 बटालियंस मूव आउट कर गए थे। दीमापुर में आने के बाद ऑन द 11th ऑफ अक्टूबर द 4 कुमाऊं स्टार्टेड देयर मूव फ्रॉम दीमापुर टुवर्ड्स सोनाखीरा। On the 17th of October, the battalion got up into a special train and headed towards Badarpur. 19th of October में ये ट्रेन बदरपुर में पहुंचा, लेकिन बदरपुर से 4 कुमाऊं को 2 ट्रेन लेना पड़ा because of the weak section of the railway track and the constant threat of enemy saboteurs. देखिए ये बदरपुर नाम का जो एरिया है ये ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के बॉर्डर के बहुत ही पास है। बॉर्डर के उस साइड से पाकिस्तानी स्नाइपर्स इस ट्रेन के ऊपर फायर खोल दिए थे। तो आप सोचिए कि बॉर्डर के कितना पास से ये रेलवे ट्रैक जा रहा था कि भारतीय फौज के एक ट्रेन के ऊपर पाकिस्तानी स्नाइपर्स ने गोली चलाना शुरू कर दिया। 20 तारीख को 4 कुमाऊं बागीछरा में पहुंचे विद अ राइफल कंपनी सेंट टू चुराईकंदी एंड पाथरकंडी। तो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जंग शुरू होने से पहले ही 4 कुमाऊं हैड फेस्ड एनिमी बुलेट्स। तो ये देखिए, this is the map of the entire area of the operations of the 8th mounted division under the command of the 4th corps of the indian army. So this is india and this is the international border. So Sylhet was the main garrison of the pakistani armed forces which are in red. yahan pe hai
जैसे आपको बताया गया था 8th माउंटेन डिवीजन का एक ब्रिगेड था द 81 माउंटेन ब्रिगेड और उसका एक बटालियन था द 4th कुमाऊं रेजिमेंट। तो पूरा अक्टूबर के महीना में 4th कुमाऊं बटालियन अपना ड्रिल्स और एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करता रहा और मुक्ति वाहिनी ऑपरेटिव्स के साथ घुल मिल गए थे। मुक्ति वाहिनी से उनको बांग्लादेश में जो दुश्मन के पोजीशंस है द एंटायर टेरेन और द टाउन्स एंड सिटीज दैट वर इन द लोकेलिटी ऑफ देयर एरियाज ऑफ ऑपरेशंस इन सब के बारे में जानना शुरू कर दिया। उनको पता चल गया था कि मुक्ति वाहिनी का एक अटैक हुआ था ऑन द ढलाई टी एस्टेट जो उनके बहुत ही करीब था और सिक्स जाट एक ऑपरेशन में फेल कर गया था टू कैप्चर द कमालपुर टी एस्टेट। यहाँ पे सिक्स जाट को बहुत कैजुअलिटीज हो चुका था। तो 4th कुमाऊं को इस रेल रोड दिस इज अ रेल रोड इस रेल रोड से कैलाश शहर लाया गया था। दे हैड टू क्रॉस थ्रू बादरपुर एंड फाइनली दे केम टू कैलाश शहर। ये एरिया बॉर्डर के बहुत ही नजदीक है एंड कैलाश शहर में उनके साथ मुक्ति वाहिनी का मिलाप हुआ एंड दे स्टार्टेड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमी व्हिच वर इन दीज एरियाज। तो 4th कुमाऊं कैलाश शहर में अभी बैठ गए हैं। तो दुश्मन के खिलाफ रिकॉन मिशंस में उतर गए थे द 4th कुमाऊं रेजिमेंट। तो इंडिया के कैलाश शहर से मुक्ति वाहिनी ने ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के अंदर एक थोड़ा सा ज्यादा टेरिटरी को कैप्चर करके लिबरेटेड जोन बना लिया था। इस एरिया का नाम हुआ था द कैलाश शहर पॉकेट। तो कैलाश शहर पॉकेट में एक मुक्ति वाहिनी का हेडक्वार्टर्स था जो एक्चुअली एक प्राइमरी स्कूल के अंदर था। तो यहाँ से 4th कुमाऊं रेजिमेंट भी पाकिस्तानी फौज के ऊपर उस साइड बॉर्डर के उस साइड नजर रख सकते थे। तो कैलाश शहर पॉकेट में ये प्राइमरी स्कूल के बिल्डिंग से एक फ्लैग होस्ट किया गया था। ये था एक्चुअली द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश। तो मुक्ति वाहिनी तो अपना ऑपरेशंस कर रहे थे लेकिन इंडियन आर्मी वाज स्टिल नॉट एट वॉर विद पाकिस्तान ऑफिशियली। तो इंडियन सोल्जर्स कुड एक्चुअली नॉट क्रॉस द बॉर्डर एंड अटैक द पाकिस्तानी फोर्सेस। तो कोई भी रिकॉन मिशंस जो 4th कुमाऊं रेजिमेंट ने कंडक्ट किया था वो था इन सिविलियन क्लोथिंग्स अलॉन्गसाइड द मुक्ति वाहिनी गाइड्स। तो सोना खीरा नाम का जो एरिया कैलाश शहर के आसपास है वहां पे 4th कुमाऊं रेजिमेंट को ऑर्डर्स दिया गया था टू फॉर्म अ कमांडो प्लेटून। इस कमांडो प्लेटून में 4th कुमाऊं रेजिमेंट के सोल्जर्स और एक ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह के साथ मुक्ति वाहिनी फाइटर्स भी थे। और इस कमांडो प्लेटून में जो मुक्ति वाहिनी का कमांडर था वो था सेकंड लेफ्टिनेंट आहिर। सेकेंड लेफ्टिनेंट जसबीर फ्रॉम द 4th कुमाऊं रेजिमेंट ने कुछ ट्रेनिंग कंडक्ट किया टू रेज दिस कमांडो प्लाटून और बंगाली मुक्ति वाहिनी के साथ एक बॉन्ड क्रिएट किया और उनको हैवी वेपन्स जैसे कि हैवी मशीन गन्स को भी चलाने का ट्रेनिंग दिया था। तो 25th ऑफ नवंबर 1971 में सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर लेड दिस कमांडो प्लाटून और पाकिस्तानी फौज के ऊपर चतलापुर टी एस्टेट में हमला लॉन्च कर दिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस कमांडो प्लाटून वाज पिन डाउन बाय हैवी मशीन गन फायर फ्रॉम द पाकिस्तानी डिफेंसेस। पाकिस्तानी फौज चतलापुर टी एस्टेट को एकदम रीइंफोर्स करके रखा था और इस टी एस्टेट के बिल्डिंग्स और फैक्ट्री में मशीन गन्स बिठा के रखे थे। तो पाकिस्तानी गोलियों से कोई भी मुक्ति वाहिनी या 4th कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों को कोई गोली लगा नहीं था लेकिन 4th कुमाऊं रेजिमेंट स्टार्टेड कॉलिंग फॉर आर्टिलरी स्ट्राइक्स। सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर ने खुद यूनिट एडजटेंट से बात किया और उनको आर्टिलरी फायर का मदद मांगे थे आफ्टर गिविंग हिम द मैप कोऑर्डिनेट्स। तो बॉर्डर के उस साइड से 75x24mm हाउइट्सर गन्स ने फायर खोल दिया था और चतलापुर टी एस्टेट में पाकिस्तानी फौज के ऊपर भारी भरकम शेलिंग करना शुरू कर दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह खुद अपना बाइनोकुलर से देख रहे थे कि एक के बाद एक शेल कैसे पाकिस्तानी बंकर्स को तबाह कर रहा था। कुछ कुछ शेल तो मनु रिवर के ऊपर गिरा था और कुछ ह्यूज फ्लूम्स ऑफ वाटर को ऊपर फेंक दिया था। अभी ये अटैक को लीड करने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह अपने कमांडो प्लाटून के साथ वापस आ गए थे और चतलापुर टी एस्टेट में दुश्मन के पोजीशंस को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया टू द 81 माउंटेन ब्रिगेड। बाद में चतलापुर टी एस्टेट में हमला करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आया था ऑन द 10th महार रेजिमेंट। On the 26th of November, 4th Kumaun Regiment was ordered to move up to the Kailash Shahar pocket. On the 26th of November, at 4:15 PM, the entire battalion moved out in trucks. और उनका convoy पहले सोनाखीरा से निकला था और बाद में कैलाश शहर का पॉकेट में पहुंच गया था। 27th of November को 4th Kumaun Regiment at their assembly area was briefed that their task was going to be the liberation of the town of Shamshernagar. शमशेर नगर को कैप्चर करना क्यों इंपॉर्टेंट था? बॉर्डर के पास शमशेर नगर वॉज दी ओनली कनेक्टिंग रेलवे स्टेशन और शमशेर नगर में एक एयरपोर्ट था। इस एयरपोर्ट को पाकिस्तानी एयरफोर्स कभी भी यूज कर सकता था और इसको इंटैक्ट कैप्चर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
नॉर्मली शमशेर नगर एयरपोर्ट से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का फ्लाइट टेक ऑफ करता था फॉर ढाका, तो शमशेर नगर वॉज कनेक्टेड टू ढाका बाई एयर इवन इन द ईयर ऑफ 1971। तो अभी देखिए, फोर कुमाऊं रेजिमेंट यहाँ पे है, द 10 महार रेजिमेंट यहाँ पे है, एंड द 3rd पंजाब रेजिमेंट यहाँ पे है। द एंटायर 81 माउंटेन ब्रिगेड इज हियर। फोर कुमाऊं रेजिमेंट वॉज एट सोना खीरा और उनको पहले कैलाश शहर पॉकेट में लाया गया था। दिस इज द मनु रिवर और जैसे आपको बताया गया था, सेकंड लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह लेड अ प्लाटून एंड अटैक द पाकिस्तानी पोजीशंस एट चपलापुर टी एस्टेट और फिर वहां से पीछे हटके आ गए थे विद इंडियन आर्टिलरी बॉम्बार्डिंग द चपलापुर टी एस्टेट। उसके बाद 10 महार रेजिमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था टू अटैक द चपलापुर टी एस्टेट। अभी शमशेर नगर वॉज द टारगेट। शमशेर नगर में हमला करने के लिए 4th कुमाऊं रेजिमेंट वॉज द मेन अटैकिंग फोर्स एंड 3rd पंजाब वॉज ऑल्सो गोइंग टू कम। तो पहले देखिए, शमशेर नगर एयरबेस यहाँ पे है, शमशेर नगर स्टेशन यहाँ पे है एंड दिस इज द रेल रोड गोइंग ऑल द वे टुवर्ड्स श्रीमंगल एंड फ्रॉम दिस रोड देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट पाकिस्तानी रीइंफोर्समेंट्स कुड कम एंड शमशेर नगर को रीइंफोर्स कर सके। मौलवी बाजार से भी पाकिस्तानी फौज शमशेर नगर में आ सकते थे टेकिंग दिस रोड। तो द अटैक वॉज गोइंग टू बी लेड बाई 4th कुमाऊं ऑन शमशेर नगर विद द 3rd पंजाब एंड 10 महार वॉज गोइंग टू टेक द चपलापुर टी एस्टेट एंड दिस मच एरिया भारतीय फौज के कब्जे में आने वाला था। तो 28 नवंबर को मेजर जनरल के वी कृष्ण राव द जीओसी ऑफ द 8th माउंटेन डिवीजन 4th कुमाऊं रेजिमेंट के साथ मीट किए एट द बटालियन हेडक्वार्टर्स और इस बटालियन को बहुत जोश और मोरल से बूस्ट किया। जनरल साहब 4th कुमाऊं रेजिमेंट का जो सूबेदार मेजर शमशेर सिंह था, उनको देख के बोले थे कि 4th कुमाऊं रेजिमेंट को बैटल ऑनर शमशेर नगर से भी सम्मानित किया जाएगा इफ दे लिबरेट शमशेर नगर फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस। तो ये बात सुन के 4th कुमाऊं रेजिमेंट को बहुत जोश मिला था एंड दे वर रेडी फॉर द फाइट। 4th कुमाऊं रेजिमेंट जोश में आके बजरंग बली की जय और कालिका माता की जय चिल्लाने लगे और दुश्मन को मारने के लिए तैयार हो गए थे। 28 नवंबर के पूरी रात को 4th कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने अपना पैकिंग शुरू कर दिया और पीठ पे अपना बैकपैक को लेके वो भूतों की तरह रात में निकल गए। तो पूरा कैलाश शहर टाउन तब सो रहा था। रात के अंधेरे में छोटा छोटा गली को पार करके 4th कुमाऊं रेजिमेंट निकल गए टुवर्ड्स देयर फॉरवर्ड असेंबली एरिया नियर द बॉर्डर। बाई द फर्स्ट लाइट ऑफ द 29th ऑफ नवंबर 4th कुमाऊं रेजिमेंट बॉर्डर क्रॉस करके शमशेर नगर के पास जो लो हिलॉक्स है उसके पास डिप्लॉय हो गए थे। उन्होंने पाकिस्तानी फौज के डिफेंसेस को देखना शुरू कर दिया। शमशेर नगर में बहुत सारे ऑब्स्टेकल बना के रखे थे दुश्मन ने और कंक्रीट बंकर्स भी थे जिसके अंदर मशीन गन्स थे और ये पूरा पेरीमीटर पे वायर ऑब्स्टेकल्स और बैम्बू पंजीज भी थे। जो भी रूफटॉप वाला बिल्डिंग्स था उसको भी फोर्टिफाई करके रखे थे पाकिस्तानी फौज ने बाय फिक्सिंग हेवी मशीन गन्स ऑन द रूफटॉप्स और उनके पास सैंड बैग भी लगा चुके थे और चारों तरफ अपना ओवरलैपिंग फील्ड ऑफ फायर भी रखे थे। ये सब डिफेंसेस को देख के 4th कुमाऊं रेजिमेंट को ये पता चला कि सामने बहुत ही खतरनाक युद्ध उनके माथे पे लिखा है। 29th ऑफ नवंबर के दोपहर में लेफ्टिनेंट कर्नल लखा सिंह ने 4th कुमाऊं रेजिमेंट के सारे ऑफिसर्स और जेसीओस को पूरा 81 माउंटेन ब्रिगेड का प्लान बताना शुरू कर दिया। 10 महार रेजिमेंट को चपलापुर टी एस्टेट में हमला करने के लिए चूज किया गया था ऑन द 30th ऑफ नवंबर और 3rd पंजाब रेजिमेंट को टास्क दिया गया था टू कैप्चर द नंबर 9 टीला। 4th कुमाऊं रेजिमेंट का एक कंपनी द अल्फा कंपनी लेड बाय मेजर बिष्ट, उनको टास्क दिया गया था टू एस्टेब्लिश अ रोड ब्लॉक ऑन द डिगी एरिया टू कट ऑफ द लिंक बिटवीन मुंशी बाजार एंड शमशेर नगर ताकि पाकिस्तानी फौज मुंशी बाजार से आके शमशेर नगर को रीइंफोर्स ना कर पाए। शमशेर नगर का फेज 2 अटैक में 4th कुमाऊं रेजिमेंट का बाकी कंपनीज वर टारगेटेड टू अटैक द शमशेर नगर रेलवे स्टेशन द टी फैक्ट्री इंपॉर्टेंट ब्रिजेस और जो शमशेर नगर एयरपोर्ट है उसको भी और एकदम आगे बढ़ते बढ़ते कातारकोना टाउनशिप को भी कैप्चर करना था। तो ये एक बहुत ही ऑडेशियस प्लान था फॉर द 4th कुमाऊं रेजिमेंट। तो डी कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर डी के धवान वाज टास्क्ड टू फॉर्म अ फर्म बेस जहां से बाकी सारे कंपनीज ऑन द 4th कुमाऊं रेजिमेंट कुड गो फॉरवर्ड फॉर द अटैक। डी कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर डी के धवान को देवलछरा टी एस्टेट में भेजा गया था ताकि एक फर्म बेस बनाया जा सके और एक्सेप्ट फॉर ए कंपनी बाकी के कंपनीज ऑफ द 4th कुमाऊं रेजिमेंट वाज टू फॉर्म अप एट द एरिया ऑफ डी कंपनी। यहां से शमशेर नगर टाउन में हमला होने वाला था बाय द 4th कुमाऊं रेजिमेंट और ए कंपनी जाने वाले थे टू कट ऑफ द रोड लिंक बिटवीन मुंशी बाजार एंड शमशेर नगर। अभी लॉन्च होने वाला है द अटैक ऑन शमशेर नगर सिटी। तो इस अटैक के बारे में जानने के लिए
आपको देखना होगा द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज इनकमिंग सून। तो जानने और देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस को पब्लिश करता हूँ इन माई चैनल सो दैट द एंटायर नेशन कैन गेट टू नो अबाउट आवर वैलियंट योद्धास इन द 1971 वॉर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।